चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML के, और इसमें बात करेंगे कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स के। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे इसमें एक है KVD एलिमेंट, ये कीबोर्ड इनपुट को डिफाइन करने के लिए होता है। और SAMP एलिमेंट जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है उसको डिफाइन करने के लिए होता है। और उसी तरीके से अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड, कोई कंप्यूटर कोड है उसको डिफाइन करने के लिए कोड एलिमेंट इस्तेमाल होता है। और प्री के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और वर जो होता है वो इट डिफाइंस अ वेरिएबल इन प्रोग्राम और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये कुछ एलिमेंट होते हैं, इनका इस्तेमाल तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है, ना तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही पड़ती है। जैसे यहाँ पर कोड एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अंदर आप जब ये वैल्यूज़ देते हैं एक्स एक्स में स्टोर किया 5, वाई में 6 ऐसे करके, और इनको मान लीजिए एडिशन किया, तो ये कुछ इस टाइप का आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यही जो है एक किसी प्रोग्रामिंग में अगर आप इस्तेमाल करें तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसमें हम लोग कोड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग की मदद करने के लिए होता है। वहाँ पर मान लीजिए उस प्रोग्रामिंग को अगर ये वेरिएबल की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लोग कोड एलिमेंट्स का प्रयोग करके उसे ये वेरिएबल्स जो हैं सप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम किया जाता है। तो यही है बस, और कुछ इसमें कुछ नहीं है। इसी तरीके से KVD एलिमेंट होता है, दिस इज यूज टू डिफाइन कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड इनपुट को शो कराने के लिए, उसका जो टेक्स्ट होता है अलग तरीके से शो कराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस चीज़ के अंदर, जैसे कीबोर्ड से आपने कोई इनपुट देना है, तो वहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई देगी कि सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग, तो ये चीज़ तो आपको नॉर्मल दिखाई देगी। उसके बाद आपने KVD में जो चीज़ लिखी है वो अलग फॉन्ट में दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये मोनो स्पेस फॉन्ट में दिखाई देगी, तो अलग से ये आपको दिखाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ अलग से काम करना है। जैसे किसी को देख लीजिए, तो ये कुछ अलग दिख रहा है क्योंकि ये जो है KVD एलिमेंट में लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट अलग है और इसका फॉन्ट अलग है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए इसको इस्तेमाल ना करिए, तो देखिए एकदम नॉर्मल दिखाई देगा और ये फोकस इस पर नहीं जाएगा। Ctrl+S पे जो अभी फोकस में दिख रहा है, अभी फोकस नहीं दिखाई देगा। इसी के जो इसका जो फॉन्ट है वही फॉन्ट यहाँ पर दिखाई देगा, फोकस वाली चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप में आपको दिखाई देता है। तो इसको सेपरेट दिखाने के लिए हम लोग KVD कीबोर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से सैम्पल एलिमेंट होता है, तो ये भी जो होती है एक अलग फॉन्ट में दिखाई देती है, भी मोनो स्पेस डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फाइल नॉट फॉन्ट, इसका फॉन्ट अलग है और इसका एक अलग है, तो अलग ही इसका एक लेवल दिख रहा है कि हाँ ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अलग से दिख रहा है, वही ये भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद VAR वेरिएबल, दिस एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन ए वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग और इन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल इस्तेमाल किया जाना है, उसको ये डिफाइन करने के लिए, इसका डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमेशा जो होता है इटैलिक में दिखाई देता है, तो ये अलग ही दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस में, और थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा। इसका रिजल्ट भी देखिए, यहाँ पर भी तिरछा दिख रहा है क्योंकि बी को भी, एच को भी और बी को भी, इन सभी को VAR एलिमेंट के अंदर लिया गया। प्री टेक्स्ट क्या होता है, ये आपका जो कोड है उसको ये प्री फॉर्मेटेड कर देता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से अभी इसको हटा दें और यहाँ से इसको हटा दें, ठीक है, तो देखिए ये कैसा आता है, ये एक लाइन में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे होंगे XY ये सब, तो वो एक लाइन में ही यहाँ पे दिखाएगा प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पर प्री लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसा यहाँ पर है ना बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाई देगा आउटपुट में। तो यही होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, कुछ भी आप लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पर वैसा ही वो दिखाई देगा। तो प्री टैग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराना है, तो प्री टैग के अंदर आप चीज़ें ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स की। सिमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, और इसीलिए उसकी जो मीनिंग होती है वो ब्राउज़र को भी और डेवलपर को दोनों को मदद करती है वेब डिज़ाइनिंग को समझने में। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आप सेमेंटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ब्राउज़र को अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या वेब पेज में क्या है, कैसी डिजाइनिंग है, तो इससे अल्टीमेटली जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको काफ़ी मदद मिलती है। मतलब यह है कि वेब पेज की रैंकिंग में इसके ज़रिए मदद मिलती है, अगर आपने सही से इन चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउजर एंड डेवलपर।
तो जैसे कि यहाँ सिमेंटिक एलिमेंट्स है, फॉर्म है, टेबल है, तो ये बताते हैं कि आखिर इनके अंदर का कंटेंट क्या होगा। फॉर्म लिखा है यानी कि फॉर्म के अंदर क्या चीज़ है, टेबल है तो टेबल के अंदर क्या होगी, आर्टिकल है तो आर्टिकल क्या होगी, क्या होगा इसके अंदर। तो दीज एलिमेंट्स क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट। तो ये चीज़ जो होती है सर्च इंजन को भी मदद करती है समझने में, और ब्राउजर को भी मदद करती है, और डेवलपर भी इसके जरिए चीज़ों को समझता है। ठीक है, वही नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डिप एलिमेंट्स हुआ, तो डिप तो एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ भी रख दीजिए तो क्या रखा है इसको तो कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक, लेकिन इन चीज़ों के अंदर रखी हुई चीज़ें अगर सही से रखी, जैसे फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर फॉर्म ही रखा जाएगा, तो इसको क्लियरली जो है हर कोई समझ जाएगा, ब्राउजर भी समझेगा, सर्च जो सर्चिंग हो रही है सर्च इंजन वो भी समझेगा, और डेवलपर भी समझेगा इसको। तो इसीलिए वेब डिज़ाइनिंग में इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो कि क्लियरली डिफाइन करते हैं वेब पेज के हर एक सेक्शन का। जैसे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हेडर है, नैव है, फिर सेक्शन, ये सब चीज़ें हैं, आर्टिकल है तो आर्टिकल में आर्टिकल वाली चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिमेंटिक एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, जो कि पेज की डिफरेंट जो वेब पेज है उसकी डिफरेंट सेक्शन को बनाने में मदद करते हैं। ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक, और इसके बाद है कि सबसे पहले सेक्शन एलिमेंट। तो ये सेक्शन एलिमेंट्स क्या डिफाइन करता है, तो सेक्शन एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू W3C HTML डॉक्यूमेंट्स। अ सेक्शन इज अ थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट टिपिकली विथ ए हेडिंग। तो हेडिंग के साथ जो कंटेंट होता है, ठीक है, उसी के लिए सेक्शन डिफाइन होता है, यानी कि उसे आपको सेक्शन में रखना चाहिए। जैसे कि सेक्शन एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, न्यूज आइटम्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सेक्शन में डालिए, तो इससे सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि ये क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि सेक्शन की जगह आप पैराग्राफ एलिमेंट इस्तेमाल करिए, या फिर कुछ दूसरी चीज़ें डिव इस्तेमाल करिए, ठीक है, तो डिव से क्लियरली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है, ना तो सर्च इंजन को, और ना तो ब्राउजर को, ना तो डेवलपर को, कि आखिर ये है क्या चीज़। कंटेंट है लेकिन कंटेंट क्या है वो लोग गेस नहीं कर पाते, इसलिए आपके वेब पेज की रैंकिंग भी गिरती है, समस्याएं आती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने लायक, कि अगर आपको इस चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो सिमेंटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, और उसमें जो चीज़ें डिफाइन है वही चीज़ें, उसी टाइप की चीज़ें आपको रखनी चाहिए। वेब पेज कुड नॉर्मली बी स्प्लिट इंटू सेक्शंस फॉर इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टू सेक्शंस इन ए डॉक्यूमेंट। जैसे डॉक्यूमेंट है इसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन ये है, तो कंटेंट को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से आर्टिकल एलिमेंट है, तो आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट, कंटेंट कंटेंट। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ऐसा कंटेंट जो कि इंडिपेंडेंट है और सेल्फ कंटेंट है। इस तरीके के कंटेंट को आपको रखना चाहिए आर्टिकल के। तो जैसे कि आर्टिकल किस तरीके का हो सकता है, आर्टिकल में जो एलिमेंट रखें किस तरीके का हो सकता है, फोरम पोस्ट हो सकती है, ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, यूज़र कमेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट कार्ड्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, इनको हम आर्टिकल में रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर, जैसे अभी सेक्शन पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज़ें हम रख सकते थे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें रख सकते हैं। वहीं आर्टिकल की बात करें तो हम ये पोस्ट जो कमेंट होती है, यूज़र कमेंट, ये सब रख सकते हैं। इसमें जैसे दिया है दिस थ्री आर्टिकल्स विद इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट, तो यहाँ पर आर्टिकल हैं तीन आर्टिकल, एक आर्टिकल ये है जिसमें गूगल क्रोम के बारे में हमें बताया जा रहा है, दूसरा आर्टिकल जिसमें मोजिला फायरफॉक्स के बारे में बताया जा रहा है, तीसरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बताया जा रहा है। तीन आर्टिकल हैं, यही चीज़ है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें CSS इस्तेमाल हुई है। इसके बाद है आर्टिकल को हम लोग सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, या फिर सेक्शन को आर्टिकल के अंदर डाल सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ दी हुई है। और उसके बाद है कि हेडर एलिमेंट है, तो हेडर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कंटेनर फॉर इंट्रोडक्टरी कंटेंट और ए सेट ऑफ नेविगेशनल लिंक। तो जो इंट्रोडक्टरी कंटेंट होता है उसके लिए ये कंटेनर का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ये भी चीज़ है कि इसमें कितने वर्ड रहने चाहिए, कितनी चीज़ें रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हेडिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे H1 से H6 तक की चीज़ों के जरिए हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, चूँकि ये कंटेनर की तरह काम करता है इंट्रोडक्टरी कंटेंट के लिए, या फिर नेविगेशनल लिंक का जो सेट है उसके लिए। इसमें आइकॉन, लोगो, ऑथरशिप की इन्फॉर्मेशन होती है, जो हेड एलिमेंट होता है उससे अलग होता है। ठीक है, ये कई हो सकते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट में। इसके बाद है HTML फुटर एलिमेंट है, तो फुटर एलिमेंट्स क्या हो सकता है, इसमें ऑथरशिप, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नीचे तो यही लिखा होता है वेबसाइट में, तो वही सब चीज़ें आपको फुटर एलिमेंट में देनी होती हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद नैव एलिमेंट है, तो इसमें नेविगेशनल लिंक्स का सेट होता है,
इसमें नेविगेशनल लिंक है, जैसे इनको एंकर एलिमेंट के ज़रिए बनाया गया, ठीक है। तो ये नेविगेशनल लिंक है जिनको नैव एलिमेंट के अंदर रखा गया, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद असाइड है, असाइड डिफाइन सम कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट इट इज़ प्लेस्ड इन, जो आपका मेन कंटेंट है उससे कुछ अलग से साइड में अगर कोई कंटेंट रखना है तो उसको असाइड में रखते हैं, जैसे कि साइड बार हो गया, ठीक है। तो साइड बार जैसे जिस टाइप में किनारे में लगा हुआ रहता है वेब पेज के मेन कंटेंट से अलग हटकर, तो वही आपको साइड एलिमेंट के अंदर रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये जो किनारे साइड में लगा हुआ ये असाइड एलिमेंट के अंदर का कंटेंट यहाँ पे आपको दिख। उसके बाद है फिगर एलिमेंट है, फिगर कैप्शन एलिमेंट है, जैसे कि डायग्राम हो गया, फोटो हो गया, कोड हो गया, लिस्टिंग हो गया, इनको फिगर में हम लोग रख सकते हैं फिगर एलिमेंट। अब सिमेंटिक एलिमेंट्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सिमेंटिक वेव अलाउज डेटा टू बी शेयर्ड एंड रीयूज्ड अक्रॉस एप्लीकेशन इंटरप्राइज एंड कम्युनिटीज़। शेयर करने के लिए और डेटा रीयूज़ करने के लिए हम लोग, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन को शेयर करना है, रीयूज़ करना है, इंटरप्राइज़ को देना है शेयर करना है, या कम्युनिटीज़ को शेयर करना है, इसीलिए हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग सेक्शन में होता है और आराम से इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ यहाँ पर, तो ये सब है।